हेलो एवरीवन आज का टॉपिक रहने वाला है प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर फंक्शंस एंड चैलेंजेस जिसमें हम समझेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जिन्हें ये प्रेशर ग्रुप्स फेस करते हैं तो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रेशर ग्रुप के मीनिंग को समझा था इसके फीचर्स को समझा था साथ ही साथ इसके टाइप्स को भी समझा था और यहाँ हम इनके फंक्शन को समझेंगे जिन्हें रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है तो जो सबसे पहला फंक्शन है प्रेशर ग्रुप्स का वो है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो प्रेशर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं लोगों की जो डिमांड है जनता की जो नीड्स हैं वो सरकार तक या डिसीजन मेकर्स तक प्रेशर ग्रुप्स पहुंचाते हैं डिसीजन मेकर्स के नोटिस में लाते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है उनसे और ये जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोगों की डिमांड्स और नीड्स को आर्टिकुलेट किया जाता है इसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहा जाता है और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर आता है पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी प्रेशर ग्रुप्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी को ये प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि इनके फेवर में हो ये लॉबिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं और कई प्रेशर ग्रुप्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार पॉलिसीज बनाते वक्त खुद ही कंसल्ट करती है क्योंकि उन प्रेशर ग्रुप्स के पास एक्सपर्टीज और नॉलेज होता है सो द गवर्नमेंट कंसल्ट वेरियस प्रेशर ग्रुप्स वाइल मेकिंग पॉलिसीज ऐसा ही एक ग्रुप है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि फॉरन अफेयर से रिलेटेड मैटर्स पर वर्क करती है और सरकार भी इन्हें कंसल्ट करती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेशर ग्रूप्स इज इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ना ही सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बट प्रेशर ग्रुप्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो कि उनके लिए फेवरेबल हो वो काफ़ी सारे मेथड्स को यूज करते हैं जिनमें से एक है लॉबिंग इसके अलावा वो मोनिट्री फेवर भी दे सकते हैं या किसी प्रकार से कोई टेक्निकल हेल्प दे सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं ताकि एक पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जा सके वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर दिस वेरी रीजन तो ना ही सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बल्कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को भी प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन प्रेशर ग्रुप्स की कोशिश रहती है एक स्ट्रॉग पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने की जो कि उनके फेवर में हो और इसके लिए वो एक पब्लिक सपोर्ट को गेन करने का प्रयास करते हैं उनकी कोशिश रहती है कि उनके गोल्स एंड डिमांड्स के लिए जनता की तरफ से एक सिंपथी गेन की जाए एक पॉजिटिविटी गेन की जाए और इसके लिए वो कैंपेन्स मीटिंग्स पिटिशंस का भी सहारा लेते हैं वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में प्रेशर ग्रुप्स एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करता है वो ऐसे लॉज और रूल्स को भी टाइम टू टाइम इवेल्यूएट करता है जो कि उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड डिसीजन्स के और रूल्स के प्रोज एंड कॉन्स बताता है क्योंकि जनता अगर उनका साथ देगी तो गवर्नमेंट के लिए उनकी डिमांड्स मानना और आसान हो जाएगा इसके लिए वो मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लेते हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉटेंट मीडियम है ना ही सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने का बल्कि गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड्स पहुंचाने का ऐसे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी उनके इंटरेस्ट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है सो लेट्स ए कि कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये लगता है कि उनके प्रोफेशन को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस नहीं है उनकी डिमांड्स को नहीं सुनती है या उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है वो एक साथ आके प्रेशर ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हैं तो प्रेशर ग्रुप्स एक जरिया बन जाता है ऐसे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने का और जब ये कलेक्टिवली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब ये अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं सो रेप्रेजेंटेशन इज एन इम्पोर्टेंट रोल

विच इनेबल्स पोलिटिकल पार्टिसिपेशन तो जितना ज्यादा लोग प्रेशर ग्रुप्स का पार्ट बनेंगे उनसे जुड़ेंगे उसके मेम्बर्स बनेंगे पोलिटिकल पार्टिसिपेशन उतनी ही ज्यादा होगी एक देश में जैसे कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम के परस्पेक्टिव में बात करें तो वहाँ ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट सिटीजन ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रेशर ग्रुप से जुड़े हुए हैं सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स फिर आता है एडवाइजरी रोल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो सरकार को एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं ये पॉइंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स वाली वीडियो में भी मेंशन किया गया था कि जैसे जो एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स को वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं इनफैक्ट सरकारें खुद ही उनको कंसल्ट करती हैं तो ये एक बहुत ही जरूरी फंक्शन बन जाता है प्रेशर ग्रुप्स का उसके बाद आता है एक्टिंग एज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ये बहुत ही एक स्ट्रांग लिंक एस्टेब्लिश करते हैं वो कैसे करते हैं अब जनता की जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं राइट right? और प्रेशर ग्रुप्स की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहती हैं टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट की ये कोशिश रहती है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो जनरल इंटरेस्ट में हो सिटीजन के और अगर किसी भी कम्युनिटी या सेक्शन को अनदेखा किया जाता है तो उनके द्वारा जो प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं वो गवर्नमेंट पे फर्दर प्रेशर डाल देते हैं कि उनके फेवर में भी कोई पॉलिसीज या डिसीजन लिए जाए अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज दैट देर इम्पोर्टेंट मीन ऑफ पोलिटिकल सोशलाइजेशन प्रेशर ग्रुप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जब लोग प्रेशर ग्रुप से जुड़ते हैं उनको ये पता चलता है कि आसपास की पॉलिटिकल सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनका ध्यान टू डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज जाता है जिससे उन्हें हेल्प मिलती है एक पॉलिटिकल कल्चर एक्वायर करने में Which leads to जब आपकी पोलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी अटेंशन टू दॉलीटिकल एक्टिविटीज तो पोलिटिकल सोशलाइजेशन तो अपने आप हो जाएगी क्योंकि आप कुछ वैल्यूज और बिलीव को एक्वायर करते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं प्रेशर ग्रुप्स अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं उनकी कोशिश रहती है कि पब्लिक का सपोर्ट गेन किया जाए उनकी सिंपथी गेन की जाए अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति इसके लिए वो मीडिया का भी यूज कर सकते हैं वो मीडिया चैनल्स पर आ सकते हैं डिबेट्स का हिस्सा बन सकते हैं गैदरिंग्स होल्ड कर सकते हैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा वो अपने कॉज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रेशर ग्रुप्स का क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं स्प्रेड करेंगे तो पब्लिक सपोर्ट कैसे मिलेगा उनको इसके साथ ही साथ दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नाउ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो जुडिशरी को यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए उन्हें सेफ करने के लिए जैसा कि पहले मैंशन किया गया था कि प्रेशर ग्रुप्स पटिशंस भी फाइल करते हैं और साथ ही साथ वो कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट को सेफ करने के लिए और वो बहुत एक्टिवली यूज करते हैं जुडिशरी का फॉर देयर इंटरेस्ट तो ये भी उनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उसके बाद आता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और वो कैसे होता है वो ऐसे होता है जो इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रेशर ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को वो हेल्प करता है गवर्नमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में ताकि वो बेटर पॉलिसीज बना सकें या बेटर लॉज बना सकें क्योंकि जब उन्हें बेटर इनपुट्स मिलेंगे बेटर एडवाइस मिलेगी तो वो अच्छे तरीके से पॉलिसीज को बना सकेंगे सब लोगों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बना सकेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इज मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं लोगों के प्रति गवर्नमेंट की जो बैड पॉलिसीज हैं या अगर वो कोई गलत कार्य करती हैं या किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व होती है तो ऐसी रॉन्ग डूइंग्स को वो एक्सपोज करते हैं ना ही वो सिर्फ सरकार के प्रोज बताते हैं बट वो कॉन्स भी बताते हैं इसलिए कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स जो है दे कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ ऑपजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य होता है गवर्नमेंट को एक्सपोज करना यही कार्य प्रेशर ग्रुप्स भी करते हैं अच्छाइयों के साथ साथ उनकी बुराइयां भी बताते हैं जिससे सरकार अकाउंटेबल रहती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो कोई गलत कार्य करेंगी तो प्रेशर ग्रुप्स उनको एक्सपोज कर सकते हैं फिर आता है फैसिलिटेटिंग सोशल प्रोग्रेस प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो सोशल प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करते हैं वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में प्रोग्रेस आती रहे ये ग्रुप्स नए नए कंसर्न और इश्यूज़ को रेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इश्यूज जो हैं ये सरकार तक पहुंचे ताकि सरकार उन पर कोई पॉलिसीज बनाए उन पर कोई एक्शन ले उससे क्या होता है उससे सोसाइटी में प्रोग्रेस आती है इट द सोशल प्रोग्रेस अब लेट्स कोई प्रेशर ग्रुप एनवायरमेंटल मूवमेंट करता है तो उससे ना ही सिर्फ जनता में अवेयरनेस आएगी एनवायरमेंट के प्रति बल्कि गवर्नमेंट को भी एनवायरमेंट पर एक्शन लेना पड़ेगा ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो एनवायरमेंट के बेनिफिट में हो तो ये थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स मल्टी फेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है ना ही सिर्फ सरकार पर प्रेशर डालता है अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए बल्कि उनको एडवाइस भी प्रोवाइड करता है सोशल प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करता है सरकार को अकाउंटेबल बनाता है उसके एंड कॉन्स गिनवाता है जुडिशियरी का सहारा लेता है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ इट लीड्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो काफी सारे फंक्शन जाते हैं जो प्रेशर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं नाउ वॉट आर चैलेंजेस टू सक्सेस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर ग्रुप्स की सक्सेसफुल वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं या प्रेशर ग्रुप्स कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं तो जो सबसे पहला चैलेंज जो प्रेशर ग्रुप्स फेस करते हैं दैट इज लैक ऑफ फंडिंग फंडिंग का एक बहुत ही बड़ा इश्यू है प्रेशर ग्रुप्स का कई प्रेशर ग्रुप्स फंडिंग की कमी से सफर करते हैं उनके पास नेसेसरी फंडिंग नहीं होती है जिससे वो ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट कर सके और इस वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रेशर ग्रुप्स के पास प्रॉपर फंड होना बहुत जरूरी होता है अपनी फंक्शनिंग के लिए और अगर वो ना हो तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तो फंडिंग की कमी होना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो प्रेशर ग्रुप्स की वर्किंग को अफेक्ट करता है फिर आता है पुअर एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स आप हाइपोथेटिकली भी सोच के देख सकते हैं कि अगर एक प्रेशर ग्रुप के पास फंडिंग ही नहीं होगी तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या कैसे वो लॉबिंग जैसी एक्टिविटी को एक्सरसाइज कर पाएंगे अनदर इम्पोर्टेंट चैलेंज इज द पुअर एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कई बार क्या होता है प्रेशर ग्रुप्स में जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपने लीडर्स के लिए ना कम रिस्पेक्ट रखते हैं या जिनमें अथॉरिटी वेस्टेड होती है उनके प्रति लैक ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं तो इससे प्रेशर ग्रुप की जो एक वर्किंग है वो अफेक्ट होती है अलग अलग प्रकार के देखिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कोई फॉर्मल होता है कोई इनफॉर्मल होता है कई ऐसे होते हैं जिनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं होता है लेकिन किसी भी प्रेशर ग्रुप में मेंबर्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको अपनी डिमांड्स मनवानी है तो ये जरूरी है कि सब मेंबर्स एक साथ यूनाइटेड होकर रहे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करें अगर कोई अथॉरिटी है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करें लेकिन जहां ये सब फॉलो नहीं होता है वहां प्रेशर ग्रुप्स की वर्किंग अफेक्ट हो जाती है फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट इन कई बार क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है प्रेशर ग्रुप्स की एक्टिविटीज के प्रति प्रेशर ग्रुप्स डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स यूज करते रहते हैं अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए धरने पर बैठे रहते हैं स्ट्राइक करते रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इनटॉलरेंट हो जाती है वो ध्यान ही नहीं देती वो कहती है कोई स्ट्राइक कर रहा है करने दो धरने पर बैठा है बैठने दो तो ऐसे केसेस में जहां गवर्नमेंट इनटॉलरेंट हो जाए प्रेशर ग्रुप्स को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है फिर आता है लैक ऑफ यूनिटी अमंग द मेम्बर्स कई बार प्रेशर ग्रुप्स के विदिन जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में यूनिटी नहीं होती है वो अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं जिससे एक डिस यूनिटी आ जाती है और उससे प्रेशर ग्रुप्स की जो वर्किंग है वो अफेक्ट होती है इट प्रूव टू बी अ चैलेंज टू द सक्सेस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स अब सपोज कीजिए कि एक प्रेशर ग्रुप है उसमें आधे मेंबर्स कहते हैं कि अगर हमें अपनी डिमांड बनवानी है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे वहीं आधे मेंबर्स ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को पैसे देने की जरूरत नहीं है तो आ गई ना यहाँ पे डिसयूनिटी तो ऐसी सिचुएशन का इमर्ज होना प्रेशर ग्रुप्स के लिए चैलेंज हो जाता है अनदर चैलेंज इज द पोलिटिकाइजेशन विच इन्वॉल्व द गवर्नमेंट इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्रुप कई केसेस में तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ही इन्फिल्ट्रेट कर जाती है इन प्रेशर ग्रुप्स में और ये इन्फिल्ट्रेशन कई तरीकों से हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने लोग भेज देती है प्रेशर ग्रुप में और वो मेंबर्स क्या कार्य करते हैं वो इन प्रेशर ग्रुप्स में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं ताकि मेंबर्स आपस में कन्फ्लिकचुअल हो जाएं, लैक ऑफ यूनिटी हो जाए जिससे अपने आप जो प्रेशर ग्रुप्स है वो ख़त्म हो जाए या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर ग्रुप्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको खरीद ले इससे क्या होगा कि प्रेशर ग्रुप का जो पर्पज़ है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि जब लीडर्स ही बिक जाएंगे तो वो गवर्नमेंट के सामने डिमांड कैसे रख सकेंगे तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो प्रेशर ग्रुप्स फेस करते हैं और जो प्रेशर ग्रुप्स की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं तो ये तो था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ये प्रेशर ग्रुप्स फेस करते हैं सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच आपका दिन शुभ हो